आपको कुछ जानकारी है, पहले पहले क्वेश्चन पूछने से पहले पता लगाना चाहिए था, पता लगाना चाहिए था आपको वहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे उनके पति और पति और थाने में जा कर के गाली गलौज कोई अनशन पर बैठा है, विधायक है और उनके जो भी संबंधी थे उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखा करके पीटा भी है उन्हें और पीटने के बाद रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई 24 घंटे में रिपोर्ट नहीं लिखी गई और थाने में बैठ करके सबको गाली दे रहा, विधायक को गाली दे रहा है, विधायक को जब गाली दे रहा है, अबे आपको कोई गाली यहाँ देने लगे तो बर्दाश्त होगी आपको, आप तो बर्दाश्त होगी, ये छोड़ना चाहिए देखिए कानून की तो काम करे। थाने में वहाँ पुलिस है, एसपी है, सब जो चीज है ना, तो पहले उसके खिलाफ कार्रवाई करो, रिपोर्ट लिखो। थाने में गाली दे रहा है, थाने में गुंडई कर रहा है कोई और उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही है और जब अनशन पे बैठे हैं, अनशन पे बैठे तो विधायक को गाली देगा? डिप्टी सीएम ने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पहले जितने माफिया अकाली थे वो हार पहन के घूमते थे। देखिए भारतीय जनता पार्टी से बड़े माफिया गुंडे कोई नहीं है, जो गुंडे हैं वो ही ऐसी तरीके की बातें करते हैं। लोकसभा चुनाव में तमाम विपक्षी दल आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं, क्या समाजवादी पार्टी अकेले दम पे लड़ेगी या जो मोर्चा तैयार होगा? लेकिन नीतीश कुमार, तेजस्वी, अखिलेश मिलकर के पूरे देश में सभी पूरे विपक्ष को एक करके ही चुनाव 2024 का लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हटाने का काम। आपको बहुत चिंता है, आपको भी है, आपको बहुत चिंता है। देखिए जब समय आएगा सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब सीधा से सब चुन लिए जाएंगे। नगर निकायों में क्या स्थिति रहेगी सपा की? चलो मांगल करके देखिए, 2002 देखिए पहले चरण का तो चुनाव हो चुका है, अब दूसरे चरण का कल चुनाव हो जाएगा। समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हराएगी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत करके आएंगे। हम तो कहेंगे पूरे प्रदेश की जनता से, आज जो कल चुनाव होने जा रहा है 11 तारीख को, सभी पूरी जनता से हमारी अपील है समाजवादी पार्टी और साइकिल के जितने भी प्रत्याशी हैं उन्हें सबको जीत। चाचा केरला स्टोरी कब देखने जा रहे हैं आप? मैंने क्या कहा था अभी, सबसे पहले क्या तुम आपने सवाल किया? आप कब देखने जा रहे हैं? देखिए मैंने तो देखी नहीं और इस तरह की जो मनोरंजन की चीज़ें हैं और जो नफरत फैलाने वाली चीज़ें हैं, नफरत जैसे फैलती हो उन पर तुरंत रोक लगना चाहिए।